नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिन बाद ट्यूटोरियल दे रहा है। एक्चुअली क्या है, ट्यूटोरियल प्रिपरेशन तो किया था, बेसिकली ट्यूटोरियल दे नहीं पाया। ठीक है, आज थोड़ा बातचीत करेंगे, कुछ देखेंगे, जैसे कि रिवर्ब जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो रिवर्ब किस टाइप का, रिवर्ब किस में क्या देना चाहिए और किस में किस टाइप का रिवर्ब करना चाहिए, तो उसके ऊपर थोड़ा सा बातचीत करेंगे। तो पहले हम बोल रहे, बेसिकली वेरियस टाइप्स ऑफ रिवर्ब हम दिखाएंगे, तो इसमें कौन सा रिवर्ब किस में देना चाहिए, आप लोग थोड़ा इस पर सुनकर फाइनल जजमेंट कर लेना, क्योंकि हम बोलेंगे पूरा डिटेल डिटेल में जाएंगे, बहुत सारा रिवर्ब का टाइप्स दिखाएंगे, तो किस में क्या देना चाहिए वो हम पहले बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए रिवर्ब बहुत सारा टाइप का होता है, एक होता है हॉल रिवर्ब, ठीक है, एक होता है प्लेट रिवर्ब, एक होता है रूम रिवर्ब, एक होता है और भी बहुत सारा रिवर्ब होता है, और भी दो टाइप का अलग अलग होता है। तो हम ये तीनों का अंदर ही पहले बोलना चाहते हैं। जैसे कि हॉल रिवर्ब का जो नेचर होता है वो क्या है, जैसे कि अगर कोई हॉल होगा जो हॉल के अंदर लोग रहता है, जैसे कि ये जगह पर स्टेज है, ठीक है, इसमें स्पीकर्स है, दो स्पीकर इसमें बज रहा है, तो कितना दूर तक ये कैरी कर पाएगा, मतलब अगर कोई सिंगर्स गाना गा रहा है, ठीक है, बहुत दूर तक उसको कैरी करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा रूम साइज भी बहुत बड़ा है, एक्चुअली रूम नहीं है, हॉल हो गया, तो पीछे का लोग का भी, पीछे में जो बैठा हुआ है तो उसका भी साउंड जो होना चाहिए वो रिवर्ब का साथ ही होना चाहिए, तभी अच्छा लगेगा, उसको भी सुनने में अच्छा लगेगा। तो ये है कंसेप्ट ऑफ हॉल रिवर्ब। उसके बाद रूम में आता है रूम रिवर्ब। रूम में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन थोड़ा छोटा होता है, जैसे कि छोटा सा रूम में जो हम लोग स्टूडियो में यूज़ करते हैं, एक थोड़ा सा चेंबर होता है जिसमें वोकल रूम, हम लोग डेड रूम भी बोल सकते हैं, ये वोकल गाना गा रहा है और हम लोग जो सुन रहे हैं, इसमें इधर एक स्पीकर है और इधर एक स्पीकर है, तो हम लोग बैठा है इधर, इसको हम लोग सुन रहे हैं, ठीक है, तो जगह बहुत छोटा है, एक नंबर, हॉल का माफी इतना बड़ा नहीं है, और थोड़ा हॉल में, हॉल रूम रूम रिवर्ब में थोड़ा सा रिवर्ब लेवल थोड़ा कम होता है, क्योंकि पहले हम बोल आप लोगों को बोल रहे, बेसिकली अगर कोई नॉर्मल वोकल, जैसे कि रॉ वोकल जो है, रॉ वोकल का अंदर कोई भी इफेक्ट लगाओगे तो इसका रॉ, पर्टिकुलरली जो रॉ टाइप जो था वो थोड़ा कम होता जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रहा है, रॉ वोकल में अगर हम 50% रिवर्ब दे देंगे तो क्या होगा, ये 50% रिवर्ब इधर रॉ वोकल रहेगा और रिवर्ब इसका साथ जुड़ जाएगा, मतलब 50% जगह वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, मतलब वोकल का साथ जुड़ के ऐसा टाइप का हो जाएगा कंपोजिशन, जैसे कि रॉनेस कम हो जाएगा 50%, तो कोई भी इफेक्ट अगर लगाओगे तो ऐसे ही होता है। तो जैसे कि इसमें जो रूम है, रूम में रिवर्ब का लेवल जो होता है उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेवल थोड़ा कम होता है, और क्रिस्टल क्लियर जो वर्डिंग जो होता है, गाना का जो वर्ड होता है, तो वर्ड्स एकदम क्रिस्टल क्लियर सुनने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रूम। प्लेट रिवर्ब थोड़ा अलग है। प्लेट रिवर्ब का हम थोड़ा एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए पर्टिकुलरली एक बड़ा वाला प्लेट है, बड़ा वाला प्लेट हम एग्जाम्पल के हिसाब से हम ए 6 फीट बाई 3 फीट एक प्लेट है, ठीक है, प्लेट मतलब कोई भी एक मेटल का प्लेट मान लीजिए, तो ये मेटल का प्लेट अगर हम लोग वाइब्रेट करेंगे तो पर्टिकुलरली क्या होगा, वो मेटल का प्लेट से एक वाइब्रेशन आएगा, तो उसको हम लोग प्लेट रिवर्ब बोलते हैं, मतलब उसका साउंड का साथ एक वाइब्रेशन भी आएगा, तो लगेगा हम लोगों को जो ये एक रिवर्ब भी हो रहा है, मतलब इसका साथ कुछ कैरी कर रहा है, उसका जो साउंड हो रहा है एकदम डेड साउंड नहीं हो रहा है, साउंड जो हो रहा है उसका साथ कुछ एम्बियंस कैरी कर रहा है, तो वो एम्बियंस जो कैरी कर रहा है उसको हम लोग प्लेट रिवर्ब बोल रहे हैं। तो अभी आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा किस में क्या देना चाहिए। जैसे कि पहला हम दिखा रहे हैं, ये जो हमने जो रिवर्ब यूज़ किया है, पर्टिकुलरली इसके अंदर जो रिवर्ब यूज़ किया है, ये वाला जो है एक साउंड हम लोग जस्ट -11% यूज़ किया है, तो इसको हम लोग खोलते हैं, पर्टिकुलरली इसका इनेबल करते हैं, ये सिनेमेटिक कोई अगर मतलब इसका नेम ही है सिनेमेटिक रूम प्रोफेशनल लिक्विड सोनिक का है, बहुत अच्छा रिवर्ब है, और इसको हम लोग इसका अंदर सिनेमेटिक जो साउंड होता है उसके अंदर लगाएंगे, तो ये हम पहले ऑफ कर देते हैं, ये है हमारा साउंड,
अभी रिवर्ब लगाते हैं। अभी मिक्स लेवल को थोड़ा बढ़ा रहा है। हम लोग चाहे तो इसमें बहुत सारा ऑप्शंस है, हम लोग यूज कर सकते हैं एम्बियंस का, ऐसा भी यूज कर सकते हैं। इसका हॉल अगर करेंगे ज़्यादा दूर तक कैरी करेगा अगर हॉल करेंगे तो, ठीक है। अगर रूम करेंगे तो पर्टिकुलरली एक जगह पर ये रहेगा, मतलब ये अगर लाइव आप लोगों को प्ले करना है, लाइव कोई काम कर रहा है तो उसमें थोड़ा हॉल ज़्यादा प्रेफरेंसेस रहेगा, मतलब ज़्यादा प्रेफर करेगा। और अगर हम लोग मतलब रूम के हिसाब से करेंगे तो इसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगा बहुत सारा अलग अलग करके बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएगा जिसमें आप लोग यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा रिवर्ब है ये, हम लोग वोकल में भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड टाइप हम लोग आ रहा है जैसे कि ये वाला एक है, इसको हम पी बटन प्रेस करके चलाते हैं। ये वोकल है, अभी इसको हम दूसरा एक रिवर्ब यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमारा बहुत ही पसंद है जो VSS3, ये हमारा बहुत फेवरेट एक रिवर्ब है। डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें आप लोगों को मिलेगा। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या है, ये हम दिखा रहे हैं इसका जो VSS3 TC इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो ये वाला जो है पर्टिकुलरली, इसको हम लोग बोल सकते हैं मास्टर रिवर्ब, ठीक है। मास्टर रिवर्ब क्या करता है, बेसिकली इसका अंदर डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगा, जैसे कि डीके कितना है, रिवर्ब डिले गीत कितना है, प्री डिले कितना है, हाई कट कितना है, हाई डीके कितना है, रिवर्ब गेन कितना है। तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोग चलाते हैं इसको लगा के, हम लोग चलाते हैं और इसको थोड़ा सा कुछ चेंजेस करते हैं। तो चलिए इसको चलाते हैं। ओम नमः शिवाय, देखिए थोड़ा सा रिवर्ब ट्राइब नेचुरल। रिवर्ब गेन थोड़ा सा बढ़ा रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी इसको ऑफ करके चलाते हैं। ओम नमः शिवाय, ऑन करते हैं। ओम नमः शिवाय, डिटेल मिल रहा है, मतलब क्या क्या हम लोग करना चाहते हैं इसका। ये वर्म हॉल के अंदर है, हम लोग थोड़ा सा इसको चेंज कर सकते हैं, रूम कर सकते हैं, फिर से दूसरा चेंज करके देखेंगे क्लियर रूम। इसको और भी कर सकते हैं, जैसे कि वोकल का है ब्राइट मेल वॉक्स, फीमेल वॉक्स करता है डीप। देखिए इनपुट हो रहा है, बाईपास कर रहा है, डिटेल मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत हम इसको बहुत यूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर मेन है रिवर्ब का अलग अलग करके पूरा डिवाइडेशन दिया है, जैसे कि इसमें आप लोगों को पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये हो गया एक टाइप रिवर्ब। थर्ड में हम लोग जा रहे हैं, जैसे कि इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे ये क्या है, इसको पहले सुन लेंगे। एक फ्लूट है, तो फ्लूट के अंदर हम लोग कैसे इसको करेंगे, जैसे कि दो टाइप का रिवर्ब हम लोग लगाते हैं, जैसे एक नंबर जो पहले दिया था उसको लगाते हैं, कैसा लग रहा है, फिर दूसरा को देखेंगे। इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करके, जैसे कि इसका रूम का अंदर करते हैं, रूम स्मॉल करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा स्मॉल हो गया। अच्छा लग रहा है,
अच्छा लग रहा है, उतना उतना ख़राब नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और रिवर्ब का इन्फॉर्मेशन भी बहुत सही तरीके से समझ में आ रहा है। इसमें हम लोग चला जा रहा है, ये है रिदिम। इसमें हम लोग एक ऐसा टाइप का जो जो लोग फेवर करते हैं उसको ही हम बोल रहे हैं लेक्सिकॉन, जो लोग फेवर करते हैं लेक्सिकॉन लगा सकते हो, तो हम लगाते हैं ये लेक्सिकॉन का एक बहुत अच्छा रिवर्ब, देखते हैं ये कैसा लगता है इसको। अभी इसको ऑन कर दिया है, अभी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, ये वाला है। अभी देखिए इसमें थोड़ा सा अटैक दिया हुआ है, अभी थोड़ा इसको ये हॉल में है प्लेड भी कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल है इसके अंदर, जैसे कि इसका मतलब क्विक अगर हम लोग करना चाहते हैं तो क्विक का है, शेप अगर करना चाहते हैं तो शेप थोड़ा सा हम लोग चेंज कर सकते हैं, शेप को लेके ऐसा ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला जो है पर्टिकुलरली ये थोड़ा सा अटैक होके आ रहा है, तो उसका शेप थोड़ा चेंज करके हम लोग ऐसा कर सकते हैं, शेप को भी हम लोग देख सकते हैं। इसमें फिल्टर है, इसमें मॉड्यूलेशन भी है, इसमें डेंसिटी है, तो कितना लेवल होता है, बेसिकली ए और बी भी है इसके अंदर। हम लोग जैसे कि चेंज करके देखना चाहते हैं किस टाइप का रिव्यू अच्छा लग रहा है, तो देखिए इसको ऑफ कर रहा है, पहले ये था। हम थोड़ा सा इसको रूम करते हैं, रूम नहीं है इसके अंदर, हाँ रूम है, रूम प्लेट मिक्स हो गया है। अभी इसका थोड़ा लेवल थोड़ा सा ज्यादा करता है, इसमें हम लोग थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, जैसे इस टाइप का फ्रीक्वेंसी लेवल जाएगा किसके हिसाब से चलेगा, कितना दूर तक चलेगा, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया, ऑफ करके सुनते हैं चेंजेस हो रहा है, समझ पा रहा है, बेसिकली हेडफोन में सुनोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी और एक इफेक्ट के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, जैसे कि इसके अंदर जो ये है जो हम लोग ने लगा है पर्टिकुलरली लेक्सिकॉन को, और भी एक इफेक्ट प्लगइन है, हम लोग इसको खोलेंगे। जैसे कि ये ए वाला जो है पीएसपी का लेक्सिकॉन पीएसपी, ये एक्चुअली क्या है, लेक्सिकॉन पीएसपी 42 इसका मॉडल है। इसका अंदर डिले, इनपुट आउटपुट फीडबैक, फिल्टर, फ्रेज, आउटपुट मिक्स, एक्चुअली डिले बेस्ड है, ज़्यादातर डिले यूज़ होता है। ये भी पर्टिकुलरली हम दिखाना चाहते हैं, बेसिकली इसको जब चलेगा इसका साथ, देखिए थोड़ा नीचे चेंज हो गया है इसका, और इसका ढेर सारा पैरामीटर दिया हुआ है। ये डिफॉल्ट था, एक्चुअली क्या है इसमें अलग से एक ट्यूटोरियल बनाएंगे, बेसिकली इसका इसका लेवल मतलब इसका जो पैरामीटर हम लोग यूज़ करेंगे, इसमें तो बहुत ढेर सारे पैरामीटर है, तो पैरामीटर कैसे कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, और इसका लेवलिंग क्या होगा, कितना मिलीसेकंड का डिले रहेगा, और फीडबैक क्या होगा इसका, ठीक है, ये दो अलग अलग पार्ट है। इसका आउटपुट क्या हो, इसका अलग से एक वीडियो देंगे। बेसिकली हम रिवर्ब के बारे में आज बात कर रहा था, तो हम इसको देख रहा था नया ये निकला है, तो ये जो तीनों अलग अलग करके रिवर्ब हम खोल रहे हैं, तो ये हमारा फेवरेट रिवर्ब, ये भी एक रिवर्ब है, तो ये भी SP2016 रिवर्ब हम यूज़ करते हैं। इसका अंदर इस टाइप का कॉम्बिनेशन जो है आप लोग यूज़ कर सकते हो, अच्छा है। माय फेवरेट अगर बोलोगे तो हमको ये VSS बहुत अच्छा फेवरेट लगा, क्योंकि TC का बहुत हम यूज़ करते हैं, क्योंकि TC इलेक्ट्रॉनिक्स एक दो दिन का कंपनी नहीं, बहुत पुराना कंपनी है, और इसका डिटेल लेवल मतलब जो रिवर्ब लेकर स्टडी करना रिसर्च करना चाहते हो, तो वो लोगों के लिए TC बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैरामीटर मिलेगा जिसमें आप लोग यूज़ करके
एग्जैक्टली क्या मांग रहा है, एग्जैक्टली क्या चाह रहा है इसमें, तो आप लोग ये देख सकते हो। ये बहुत फेवरेट है, ये भी लेक्सिकन का जो है ये भी हम यूज़ करते हैं, बहुत बहुत अच्छा है ये। इसका अंदर पूरा डिटेल आप लोगों को मिलेगा, तो ये पूरा डिटेल रीलैब इसको बोलते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। और जो दिखा है ये जो ये हम सिनेमेटिक कोई अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक का काम करते हैं तो तब उस टाइम में हम इसको यूज़ करते हैं। इसका अंदर बहुत सब एक अलग अलग करके चैप्टर होगा, क्योंकि ये यूज़ करना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि जितना सारा बटन आप लोग देख रहे हैं तो बटन का अलग अलग काम है और हर बटन का यूजेस भी अलग अलग है। कोई भी जगह पर आप लोग लगा दोगे, जैसे कि वोकल में भी ये लग रहा है, कोई सिनेमेटिक साउंड में भी ये लग रहा है, गिटार में भी ये लग रहा है, तो ऐसा करने से होगा नहीं। अलग अलग रिवर्ब देने का मकसद यही है। और भी एक देखें जैसे कि ग्लो, ये बहुत बहुत अच्छा एक्चुअली अवार्ड भी मिला है उसको, ग्लो ग्लो का, तो वो भी दिखाएंगे। और इंडिविजुअल एक एक करके बनाएंगे। क्रिस्टलाइन एक बहुत अच्छा रिवर्ब है, क्रिस्टलाइन हम लोग यूज़ करते हैं, हम दिखाते हैं क्रिस्टलाइन ये जो रिवर्ब है, पहले भी हमें इसका ट्यूटोरियल दिया हुआ है, बहुत अच्छा रिवर्ब है, इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ यूज़ किया हुआ हम दिखाया है कैसे इसको यूज़ करते हैं। पर्टिकुलर बेबी ऑडियो का प्रोडक्ट है, और इसका जो डेफिनेशन, इसका जो अलग अलग जो बटन है कैसे यूज़ करते हैं, ये थोड़ा सा पीछे पीछे का कुछ वीडियो बात क्रिस्टलाइन बोल के हमारे चैनल में अगर सर्च करोगे तो मिल जाएगा। मगर ये कंसेप्ट थोड़ा यूज़ करके ऐसा नहीं होता है जैसे कि एक ही रिवर्ब प्रोजेक्ट में बार बार यूज़ हो रहा है, सभी जगह पर यूज़ हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग टाइप का अलग अलग रिवर्ब, मतलब रिवर्ब का अलग अलग हम दिखाया इसलिए दिखाया जैसे कि आप लोग आइडेंटिफाई कर सको कौन से इंस्ट्रूमेंट में किस टाइप का रिवर्ब देना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, प्रोजेक्ट अगर डिटेल प्रोजेक्ट और क्वालिटी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो ये बहुत ही ज़रूरी है किस टाइप का चीज़ किस में लगाओगे, इफेक्ट क्या डालोगे और उसका परसेंटेज लेवल क्या होगा। तो ज़्यादातर रिवर्ब डालोगे तो रॉनेस कम हो जाएगा, मतलब वर्डिंग थोड़ा हाउलिंग हो जाएगा, जैसे कि हेलो हम बोल रहे हैं हेलो पूरा रिपीटेशन हो जाएगा, नहीं तो बहुत दूर तक रिवर्ब का लेवल चला जाएगा, तो वो हम नहीं चाह रहा है। तो इसीलिए इतना सारा रिवर्ब आप लोगों को दिखाया है, तो इसके अंदर से कोई भी रिवर्ब यूज़ करोगे, कोई भी एक नहीं है, तीन चार रिवर्ब प्रोजेक्ट के हिसाब से यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो प्रोजेक्ट अच्छा नहीं बनेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत दिन बाद वीडियो दिया है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो जैसे कि नया नया जो रिवर्ब है उसको लेके थोड़ा सा एक एक करके छोटा छोटा करके वीडियो बना देंगे, जैसे कि इन डिटेल आप लोग यूज़ कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साउंड नॉलेज को और करिए अपने म्यूजिक कॉम्पोजिशन का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।